अहमद, आपसे मेरा सवाल ये है कि बूंद के साथ बार बार खुर्शीद अनवर का नाम जुड़ता रहा है, तो बूंद और खुर्शीद अनवर के रिश्ते क्या थे, क्या ये आपकी जानकारी में है? दरअसल टीम बूंद जो थी उसके जो मतलब जो टीम को लीड जो कर रहे थे इला जोशी और मयंक सक्सेना, उनके खुर्शीद के साथ कुछ पर्सनल रिश्ते थे। इन लोगों की मतलब काफ़ी अच्छी जान पहचान थी खुर्शीद के साथ, और मयंक सक्सेना बाकायदा खुर्शीद अनवर को कहते थे मेरे बड़े भाई की तरह, बड़े भाई की तरह उनको मानते थे। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ टीम बूंद की और खुर्शीद अनवर का जो रिलेशन है वो सिर्फ यहीं तक था कि मयंक सक्सेना और इला जोशी के पुराने संबंध थे खुर्शीद अनवर के साथ, और इन्हीं के ही जरिए ज़्यादातर लोग खुर्शीद अनवर से फिजिकली मिले थे। वैसे तो सब लोग खुर्शीद अनवर को फेसबुक के थ्रू जानते ही थे क्योंकि फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव रहे खुर्शीद अनवर। तो जैसे तो ज़्यादातर खुर्शीद अनवर से जो मुलाकात लोगों की हुई या उनको पर्सनली जाना खुर्शीद अनवर को, तो मयंक सक्सेना और इला जोशी के जरिए ज़्यादातर लोगों ने जाना, जैसे मैंने जाना, नलिन ने जाना, हम लोगों ने इन्हीं लोगों के जरिए उनको जाना। साथ ही ये बात थी कि ऐसा कभी कभी होता था कि खुर्शीद अनवर कुछ फंड भी दिया करते थे टीम बूंद को। इस फंड के बारे में मुझे जानकारी मैं के ही मुँह से कई बार उन्होंने कहा कि खुर्शीद अनवर भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी उन्होंने भी कहा है कि मैं फंड कराऊंगा। साथ ही कई अपने कई कॉन्टेक्ट्स से भी मुलाकात करवाई थी मयंक सक्सेना की खुर्शीद अनवर ने। ये सब बात जो खुर्शीद अनवर से रिलेशन की टीम बूंद की सारी बातें मुझे मयंक सक्सेना के जरिए पता चलती थी। एक खबर ये भी आई कि बूंद जो है वो खुर्शीद अनवर के एनजीओ का एक सांस्कृतिक संगठन या संस्था है, तो इस संबंध में कोई जानकारी है आपके पास? ये क्या बेबुनियाद बात थी? इस संदर्भ में मेरी जानकारी नहीं है क्योंकि जब हम टीम बूंद से जुड़े ना तो उस समय हमें इस तरह की कोई बात बताई गई मयंक सक्सेना इला जोशी के जरिए कि ये सांस्कृतिक विंग है, ना ही कोई इस तरह का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था क्योंकि बूंद जो है वो रजिस्टर्ड नहीं था उस वक्त तक। अब ये जो है ये खबर तो मीडिया के जरिए ही पता चली है, मीडिया वालों ने अपने कुछ पता किया होगा, लेकिन मुझे इस बारे में जानकारी नहीं कि सांस्कृतिक विंग है या क्या है, इस बारे में कोई मुझे जानकारी। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया खुर्शीद फंड को लेकर बूंद को काफ़ी मदद कर रहे थे, और बीच में कई बार खुर्शीद की तरफ से और दूसरे उनके साथियों की तरफ से ये बात आई है कि फंड को लेकर बूंद में काफ़ी गड़बड़ी थी, तो आप तो बूंद के साथ काम करते थे, तो क्या फंड को लेकर कुछ जानकारी रहती थी आप लोगों के पास? देखिए काम करने के दौरान हम लोग सिर्फ काम पे ध्यान देते थे, फंड्स जो आते थे वो दो इंडिविजुअल अकाउंट्स में आया करते थे, एक इला जोशी का पर्सनल अकाउंट था, एक दीपेंद्र राजा पांडे का, जो कि फेसबुक वॉल पे डाले भी गए थे जब फंड की अपील की गई थी। तो इन दो लोगों का अकाउंट था, इन दो लोगों के अकाउंट में ही सारे ट्रांजेक्शन्स हुआ करते थे। रही बात उन अकाउंट्स में से पैसे निकालने की, तो उन अकाउंट्स में से कितना पैसा निकल रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है, इस बारे में हमें जानकारी नहीं होती थी। तो ये दोनों जानकारी सार्वजनिक नहीं किया जाता था कितने पैसे है? उस समय तक सार्वजनिक नहीं किया जाता था, इला जोशी अपनी डायरी में लिखा करती थी उस समय, और जब उस समय हम लोग काम कर रहे थे तो हमें इस बारे में हिसाब में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बारे में कोई रुचि ही नहीं थी, ना ही हमने उनसे कभी हिसाब मांगा कि आप हिसाब दीजिए, क्योंकि काम हो रहा था बाढ़ आपदा में, तो वो अपनी डायरी में लिखा करती थी, और क्या पैसा निकल रहा है, किसने पैसा डाला है उसके अंदर, ये उन दोनों को ही मालूम होता था, दीपेंद्र राजा पांडे जी को और इला जोशी को, इन दो लोगों के अकाउंट्स में ही पैसा आया। खुर्शीद से आपकी क्या कभी मुलाकात हुई? खुर्शीद से इस घटना से पहले मेरी एक बार मुलाकात हुई है, मयंक सक्सेना ने कहा था कि खुर्शीद भाई ने घर बुलाया है हमें अपने और डिनर पे, तो उस दौरान मैं और नलिन और मयंक सक्सेना, तो हम और शायद एक साथी और था अमित श्रीवास्तव, हाँ हम चार लोग थे,
तो हम चार लोग इससे पहले एक बार खुर्शीद के घर पे गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब उस पहली बार मैं उसी दिन खुर्शीद से मिला था, वहीं उस रात खाना वाना खाया था हम लोगों ने उनके साथ और फिर रात को वापस लौट गए थे। पहली मुलाकात में कैसी छवि बनी उनकी? पहली मुलाकात में तो काफ़ी मतलब हम तो बहुत इम्प्रेस थे खुर्शीद अनवर से, उनकी जिस तरह से वो लिखा करते थे और पोस्ट जिस तरह से आया करती थी, तो पहले से ही इम्प्रेस थे। और वहाँ गए तो उन्होंने जिस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट किया था, मतलब क्रांतिकारी शेर व शायरी और कविताएं, कविताओं का दौर चला और मतलब चलता था, तो वहाँ जो है शराब नोशी भी हुई। अब ये अलग बात है कि मैं शुरू से ही शराब नहीं पीता, तो वहाँ पे ड्रिंक के दौरान खूब मतलब क्रांतिकारी गीत कविताएं खुर्शीद अनवर ने कही और काफ़ी सारी बातें हुई उनसे, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस था पहली मुलाकात में उनसे। एक तरफ एक खुर्शीद साहब की इतनी अच्छी इमेज लेकर आप लौटे, और जब आपकी प्रीता से पहली बार बातचीत हुई या पहली बार जब ये जानकारी आई खुर्शीद को लेकर, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आप यकीन कर पाए इस बात पर? पहली प्रतिक्रिया एकदम से जो है मुझे शॉक नहीं लगा, उसकी वजह थी क्योंकि जिस रात ये घटना हुई उस रात से अगले दिन मेरी एक बहन है टीम बूंद में, मुंह बोली बहन, तो उसका मेरे पास फोन आया था। तो उस समय तक किसी को मालूम नहीं था इला जोशी मयंक सक्सेना को छोड़ के पीड़िता के साथ क्या हुआ, मतलब यानी बलात्कार की रात से, रात जिस रात घटना हुई उससे अगले दिन की बात मैं कह रहा हूँ। तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई ऐसा है कि खुर्शीद अनवर ने जो है मुझे कॉल कर रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप पे कई मैसेज भी किए हैं और कह रहे हैं कि घर आ जाओ बात करते हैं और घर बुला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मतलब मैं अपना ड्राइवर भेज देता हूँ। तो मुझे बात बड़ी अटपटी सी लगी, लेकिन एकदम से अब शक करने वाली कोई बात नहीं थी, तो मैंने बोला कि ये अजीब सा लग रहा है, तो मैंने बोला कि देखो अकेले मत जाना घर पे, जाना भी तो किसी को साथ लेके जाना, और पहली एडवाइस तो मेरी यही थी कि तुम जाओ ही मत, क्या ज़रूरत है जाने की अकेले वहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे अकेली ही रहती भी थी दिल्ली में, तो पहली एडवाइस यही थी। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा था उस वक्त, जब ये घटना मुझे पता चली तो मेरा ध्यान एकदम से उस बात की तरफ गया कि उस रात तो उसने भी उसको बोला था आने के लिए उस मतलब अगले दिन, और कॉल भी किए, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए, तो मुझे शक हुआ एकदम से, मतलब वो नहीं लगा। इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि मयंक और इला ने इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए इस बात में जितनी सच्चाई है वो ये है कि हम लोगों को बलात्कार की जो घटना के तकरीबन 4-5 दिन बाद हम लोगों को उन लोगों ने इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म भी नहीं किया, दरअसल हम लोगों को जो कि मैंने बताया मेरी सिस्टर थी उसके थ्रू मुझे पता चला, और उसके थ्रू पता चलने के बाद मैं उत्तराखंड से दिल्ली के लिए निकल गया और दिल्ली आया, तो जब मयंक सक्सेना और इला जोशी को पता चल गया कि मैं उत्तराखंड से निकल चुका हूँ दिल्ली के लिए, तो उन लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया कि देखो तुम्हें जो भी बात पता चली है पहले हम लोगों से मिल लो और बात क्लियर कर लो, हम लोगों से मिल लो। तो ये बलात्कार हुए 2-3 दिन हो चुके थे और मुझे किसी और सोर्स से पता चली, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो है बात कर लो। तो जिस रात बलात्कार हुआ उससे अगले दिन जब इन्हें पता चला तो क्यों नहीं इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, क्यों मामले को 4 दिन तक ये लोग दबा के बैठे रहे? मैं इन लोगों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब पीड़िता अपने घर चली गई बिना केस किए डर कर या जिस भी मानसिक स्थिति में वो थी, उसके बाद मयंक सक्सेना और इला जोशी और इनकी तरफ की टीम के कई और लोग हमसे मीटिंग करी और कहा कि देखो आप लोग फेसबुक पे लिखना बंद कर दीजिए, मेरी शादी हो जाने दीजिए, 13 अक्टूबर को मेरी शादी है, मुझे समय दे दीजिए 18 तारीख तक का, उसके बाद मैं फेसबुक पे अपडेट डालूंगा, माफ़ी आप लोगों से और जो भी लोग खफा हैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, और खुर्शीद अनवर को जो है मैं फिर हम लोग साथ में मिलके लड़ेंगे।
हमारी इस मीटिंग से पहले मयंक सक्सेना खुर्शीद अनवर से सार्वजनिक माफी फेसबुक पे मांग चुके थे कि वो बहुत ही शुचितापूर्ण जीवन जिए हैं और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उन पर गलत इल्जाम लगाया इस तरह का, जिसका हमने विरोध किया क्योंकि हम तो सारी बात जानते थे कि पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ है। तो जब हम लोग फेसबुक पे लिखने लगे तो इन्होंने मीटिंग करी, हमसे टाइम मांगा कि हमारी शादी तक का हमें टाइम दे दीजिए। हमने इनकी शादी तक का ने टाइम दे दिया। शादी के बाद होता क्या है, शादी हो गई, तारीख भी निकल गई जितना समय मांगा था, उसके बाद तक इन्होंने कुछ नहीं लिखा। जब इन्होंने कुछ नहीं लिखा फेसबुक पे तो हमारे साथियों ने बिना नाम लिए जैसे लिख रहे थे लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर मयंक सक्सेना की एक और माफी आई खुर्शीद अनवर के नाम, कि खुर्शीद अनवर बहुत ईमानदार हैं, बहुत ही अच्छी नेक इंसान हैं, उन पे गलत इल्जाम लगाए गए, यानी कि दोहरा इनका चरित्र रहा इस पूरे प्रकरण में। पहली तरफ तो हमसे मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि देखो खुर्शीद अनवर और उसके कुछ चमचे हैं जो हमें इस मामले में करना चाहते हैं, मठाधीश हैं ये खुर्शीद अनवर, और एक व्यक्ति है अविनाश पांडे, समर अनार्या के नाम से है फेसबुक पे, तो वो लेके उस वो जो है खुर्शीद अनवर से मिल गया है। और जो है ये मैंने पूछा भाई कि उसकी उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है उससे मिल गया है और तुम्हारे खिलाफ लिख रहा है ऐसे। बोले अमर ये मठाधीश हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई और व्यक्ति कैसे आग इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया किसी और व्यक्ति ने। और वामपंथी जब पतित होता है तो उसे ना भगवान का डर होता है ना इंसान का, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। तो ये इनके शब्द थे, इन्होंने बाकायदा आश्वासन दिया हमें मीटिंग में कि मुझे आपने टीम का लीडर माना है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़िए, मैं आप लोगों के साथ में लड़ूंगा लिखूंगा, हम लोग मिल के जो है इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे, पीड़िता से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, जैसे भी हो इस केस को आगे बढ़ाएंगे, उसे इंसाफ दिलवाएंगे, हम इस मामले में चुप नहीं बैठे, इन्होंने कहा इस बात को। लेकिन फिर वही दोहरा चरित्र के फिर दोबारा फेसबुक पे उससे सार्वजनिक माफी मांगी गई खुर्शीद अनवर से। इस मामले में खुर्शीद के कुछ साथी हैं जो बार बार एक सवाल उठा रहे हैं कि पीड़िता की रिकॉर्डिंग मधु किश्वर के यहाँ क्यों हुई। मधु किश्वर नरेंद्र मोदी टीम की मानी जाती है, तो वो लोग इसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मधु किश्वर के साथ उनके मानुषी संगठन में मैं पहले काम कर चुका था, और उनका जो भी राजनीतिक झुकाव है या जो भी उनका राजनीतिक दृष्टिकोण है उसके अलावा मैंने उनका काम करने का तरीका देखा। इस तरह के महिलाओं के केसेस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने केसेस को हैंडल किया और बहुत ही निष्पक्षता के साथ उन्होंने हर केस में काम किया, तो उनकी ईमानदारी पर मुझे इन मामलों में बिल्कुल भी शक नहीं था। जाहिर दूसरी बात यह है कि मैं क्यों मधु किश्वर के ही पास पीड़िता को और अपने साथियों को लेकर गया, उसकी वजह यह है कि जब बलात्कार को हो चुके इतने दिन बीत चुके थे, जब पीड़िता की मुलाकात हमसे हुई, हमारे पास कानूनी सलाह के लिए कोई संसाधन नहीं था। दूसरी बात, आज से पहले हमने कोई बलात्कार का केस हैंडल नहीं किया था, एकदम लेमैन थे, तो हम इस मामले में पूरी कानूनी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, FIR भी जो है सब सोच समझ के हर तरीके से करवाना चाहते थे, क्योंकि पीड़िता बहुत डरी हुई थी कि पुलिस जो है ऐसे करती है, ये करती है, वो करती है, उसकी काउंसलिंग भी जरूरी थी। तो मैंने अपने साथियों के साथ मशवरा किया, पीड़िता के साथ मशवरा किया कि मैं उनके साथ मधु किशोर जी के साथ काम कर चुका हूँ, उनके पास जाते हैं, उनसे कानूनी सहायता लेते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर उसके आगे। तो सब एग्री हुए, उनके ऑफिस हम गए। रही बात वीडियो बनाने की, तो उनके ऑफिस में जो कोई भी व्यक्ति, मैं ही नहीं आप भी जाइए या कोई भी आदमी जाए, उनका उसूल है कि कोई भी समस्या उनके पास लेके आए तो पहले वो उसका वीडियो बनाती है हर व्यक्ति का, ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड रहे, क्योंकि इससे पहले उनके ऊपर कई तरह के आक्षेप लगाए जा चुके हैं, इल्जाम लगाए जा चुके हैं, तो उन्होंने
जाहिर है कि अपनी उस आदत के चलते रिकॉर्ड करी हम सबकी वीडियो स्टेटमेंट और सबकी सहमति के साथ करी। उन्होंने पूछा पीड़िता से, क्या आप तैयार हैं ये कराने के लिए? तो पीड़िता ने बताया। तो एक ऐसे ही रैंडमली उन्होंने अपने कैमरा से अपने ही ऑफिस में वीडियो ली। अब वो वीडियो, उस वीडियो को इस बात से जोड़ देना कि नरेंद्र मोदी के साथ की समर्थक है मधु किशोर और इसलिए वो वीडियो बनाया गया, सरासर झूठ है। पहली बात तो ये कि जब मैं पीड़िता और अपने साथियों के साथ उनके ऑफिस में गया, उन्हें सारी बात बताई, वो ये तक नहीं जानती थी कि खुर्शीद अनवर है कौन, खुर्शीद अनवर करता क्या है। जाहिर सी बात है उन्हें नहीं मालूम था इस बारे में। जब मैंने बताया कि वो ऐसे ऐसे लिखते हैं या जो भी है, तब उन्हें जाके पता चला कि खुर्शीद अनवर कोई आदमी है। उसके बाद उन्हें इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो क्या लिखते हैं क्या करते हैं। उन्हें सीधा सा मामला था कि जो मैं लेके गया था और पीड़िता की, पीड़िता जिस हिसाब से बता रही थी, उन्हें मामला जेन्युइन लगा। तो उन्होंने इसके अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कानूनी सहायता देने की सहमति बनाई और जो है हम अपने वकील के साथ हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स किया अगले दिन कि आप जा सकते हैं और उसे कानूनी सहायता लीजिए और अगले दिन FIR करा दीजिए। सारी मामला यही था। तो उनके ऑफिस में वीडियो बनी और अगले दिन हम वकील के पास जाना था, वहां से FIR दर्ज होनी थी। वही पीड़िता जो है उस रात ही, मतलब जिस दिन वीडियो बना उस शाम ही इला जोशी और कालीकांत के साथ एक मीटिंग तय हुई थी कि मिलना चाहती हैं हम पीड़िता के साथ। तो हम कालीकांत बूंद के कार्यकर्ता, हाँ बूंद के कार्यकर्ता, बाद में वो बूंद से जुड़े वकील भी हैं वो। तो एक शाम को एक मीटिंग उन्होंने डिमांड करी कि आप एक मीटिंग कर लीजिए हमारे से और बात करनी है कुछ। तो शाम को इंडिया कॉफी हाउस के बाहर हम लोगों की मीटिंग हुई, जिसके अंदर हम सब लोग मौजूद थे, पीड़िता मौजूद थी, कालीकांत और इला जोशी साथ में आए थे। तो वहां पर हमारी बात हुई। तो सिर्फ चार लोग थे आप उस दिन? नहीं नहीं, उस रात मैं था, नलिन मिश्रा, अजमेर सिंह, तपन, नीरज हरि पांडे और स्वाति नंदन और साथ ही जो है पीड़िता और इला जोशी और कालीकांत। ये हम मयंक उस दिन नहीं आ पाए। नहीं, मयंक उस समय उत्तराखंड गए थे, उत्तराखंड में किसी से मीटिंग थी तो उत्तराखंड गए हुए थे। ये दो लोग मिलने आए। वहां पे इला जोशी और कालीकांत ने ये शर्त रखी कि आप लोग कानूनी कागजात पे हस्ताक्षर करके दीजिए कि हमारे खिलाफ कोर्ट में आप लोग गवाही नहीं देंगे, तो हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, आप लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं तो पीड़िता से पूछ लीजिए वो क्या चाहती है। तो ये हम लोग में कौन कौन लोग थे, मतलब मैं जो हमारे, किन किन लोगों पर आप लोग किन किन लोगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ऐसे पेपर में किन किन लोगों के नाम थे? यानी कि इला जोशी, मयंक सक्सेना और जो जो भी लोग जिनको पीड़िता ये दोषी मानती थी कि उस रात मुझे खुर्शीद अनवर के घर पे छोड़कर चले आए, इन इन लोगों के खिलाफ आप गवाही नहीं देंगे, ये कहना था इनका। तो मैंने कहा पीड़िता से आप पूछ लीजिए। तो उन्होंने, इला जोशी ने पूछा पीड़िता से कि देखो तुम ऐसा ऐसा करना होगा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। पीड़िता उस समय ये राजी नहीं हुई, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं ऐसा साइन कुछ करूंगी और काफी चिल्लाने लगी कि तुम उस रात मुझे छोड़ के आए क्यों उसके घर, बार बार इस बात को कह रही थी। तो इला जोशी ने काफी इमोशनल हो गई, रोना शुरू कर दिया, हाथ पैर पीटे अपने कि मैं क्या करूं, उस रात जो है मैं छोड़ के आ गई, गलती हो गई, तो मैं क्या करूं, अब क्या कर सकती हूं, अब इसका क्या वो होगा इलाज। तो लेकिन काफी रोई धोई और अंततः जो है कालीकांत और इला जोशी मीटिंग में से चले गए, पीड़िता मानी नहीं उस सब। उससे अगले दिन हमें कोर्ट जो है वकील के साथ अपॉइंटमेंट था, हम लोगों को केस दर्ज कराना था थाने में, FIR करानी थी। हम लोग वकील के लिए निकले, फोन आया एक साथी का, शायद गौरव गुप्ता का फोन आया था, मेरे पास नहीं आया, फोन आया नंदन के पास शायद फोन आया था कि इला जोशी के जो है
मुंह से झाग आ रहे हैं, उसकी हालत बहुत खराब है और बहुत तबीयत उसकी खराब है। तो पीड़िता जो है वो इला जोशी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी, ये एक सच्चाई है, और उसको काफी मानती भी थी इला जोशी को। जब ये बात उसको पता चली कि उसके मुंह से झाग आ रहे हैं और इस तरह का मामला है, नंदन की भी दोस्ती थी इला जोशी के साथ पुरानी, उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार उसे जाके हम देखाते हैं लाजपत नगर वाले घर में। तो नंदन, पीड़िता और साथ में स्वाति, ये तीन लोग इला जोशी के घर पे गए। वहां जाके इन लोगों की बात हुई, वहां अब क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई ये बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना हुआ कि पीड़िता का मेरे पास फोन आया कि मैं केस नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे इन कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना है, और जो है मेरे ऐसे केस होते रहते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है, मेरे काफी गरीब परिवार से थी वो, कि मेरी मौसी और मम्मी अकेली हैं, तो पिता नहीं है लड़की के, तो मैं कैसे करूंगी, बहुत दिक्कत है ये वो, ये कह के दिल्ली से वो लड़की चली गई। उसने कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया। अब ये मुझे नहीं मालूम कि वो इला के घर पे जाके उसने क्या बात करी, उससे क्या करी, लेकिन ये है कि इतनी खबर थी कि इला के मुंह से झाग आ रहे हैं और उसकी तबीयत खराब है। वहां से आते ही उसने अपना रुख पलट दिया और वकील के साथ अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी, बात नहीं हो सकी। पीड़िता पर एक आरोप है कि वहां पैसों की लेन देन हुई थी। पैसों की कोई लेन देन नहीं हुई है। दरअसल पीड़िता को यहां से अपने घर जाना था नॉर्थ ईस्ट, तो अपने घर जाने के लिए उसे किराए के पैसे, किराए के लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि यहां से फ्लाइट काफी महंगी होती है। उसने उधार कुछ पैसे मांगे थे, जो कि इला जोशी ने उधार पैसे, उसके पीड़िता का कहना है मैंने उधार पैसे मांगे थे, इला जोशी ने उसको पैसे दिए और वो पैसे उसने रिटर्न भी किए। मृगांक शेखर उपाध्याय एक इला जोशी के साथ ही है वो टीम बूंद में, उसके SBI अकाउंट में पीड़िता ने वो पैसे वापस भी किए। ऐसा ये आरोप सरासर गलत है। तो ये फ्लाइट से जाने की कोई खास वजह? देखिए यहाँ से ट्रेन, ये मुझे नहीं मालूम वो फ्लाइट से गई या ट्रेन से गई। उसने कहा कि मैं जा रही हूं, चली गई। यहां से ट्रेन का सफर बहुत लंबा है और बहुत ही मतलब मुश्किल से ट्रेन वगैरह मिलती है, और उसके शायद ट्रेन उसके घर जाती भी नहीं है ज्यादातर, फ्लाइट का सफर थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो उसने जाहिर है फ्लाइट से ही गई होगी। बात मधु किशोर की करते हैं। मधु किशोर को लेकर जो एक बड़ा सवाल है, लोगों का सवाल ये नहीं है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग क्यों की, उससे बड़ा सवाल ये है कि रिकॉर्डिंग करने के बाद उन्होंने उसकी बहुत सारी कॉपियां की और बहुत सारे कई सारे लोगों में बांटा, और कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि वो कई सारी वेबसाइट पे अपलोड भी हुआ है पूरा का पूरा वीडियो, इसमें कितनी सच्चाई है? तो ये बात सरासर गलत है। मधु किशोर ने वीडियो की कोई कॉपी नहीं बनाई। मधु किशोर जब वीडियो उन्होंने बनाई थी तो ये बात तय हुई थी कि एक कॉपी मेरे पास रहेगी, एक आप लोगों के पास रहेगी, तो उसी समझौते के मुताबिक जो बात तय हुई थी आपस में, एक कॉपी तपन के कहने पर, तपन कुमार को एक कॉपी दी गई, ठीक है, और उसकी कोई भी कॉपी जो है ना किसी वेबसाइट पर अपलोड की गई, ना ही हमारी तरफ से किसी सोशल साइट पर डाली गई, ना किसी सोशल नेटवर्किंग पर डाली गई, और ना ही किसी को कॉपी बना के इस तरह से मेरी जानकारी में दी गई, इतनी ही बात है। लेकिन वो वीडियो कई सारे लोगों के पास पहुंचा है, ये मैं नहीं कह सकता कि किन लोगों के पास और किस जरिए से पहुंचा है, क्योंकि ये वीडियो ISD में दिया गया था जांच के लिए, आंतरिक जांच के लिए दिया गया था, हमारे साथियों में से दी गई थी ISD में, जो खुर्शीद अनवर पे जो एक जांच चल रही थी, नलिन मिश्रा ने वो वीडियो ISD में दिया था वो जांच के लिए, जो मांगा था कल्याणी मेनन ने, तो उसने अपने बयान के साथ वो वीडियो उनको दिया था,
उसके अलावा एक न्यूज चैनल है शायद जिया टीवी है, उसने आके मधुकिश्वर से वो वीडियो मांगा था, तो मधुकिश्वर ने चेहरा ब्लर करके और बाकायदा रिटर्न में उनसे लिया था कि आप मुझसे ये वीडियो लेकर जा रहे हैं, उनसे उन्होंने रिटर्न में लिया था और उन्हें अपनी जिम्मेदारी पे वो वीडियो उन्होंने दिया था। बाकी इसके अलावा कहीं कोई वीडियो ऐसा नहीं चलाया गया ना कल दिया गया। इस वीडियो के साथ साथ ये भी आरोप है कि कुछ लोगों ने लगातार पीड़िता के नाम पर खुर्शीद के खिलाफ मीडिया ट्रायल किया है। पीड़िता का नाम लेके मीडिया ट्रायल जिसकी बात की जा रही है, मीडिया ट्रायल नहीं हुआ। सीधी सी बात यह हुई कि जो भी वीडियो था वो एक कॉपी हमारे पास थी, एक कॉपी मधुकिश्वर के पास थी। हमारे साथियों ने दो तीन कुछ वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं को वो वीडियो दिखाया था, कॉपी किसी को नहीं दी थी उस समय तक, ना ही कहीं फेसबुक पे नाम लेकर या किसी भी सोशल साइट पे नाम लेकर कुछ लिखा गया इस बारे में, ऐसा नहीं हुआ। किसी तरह का कोई भी मीडिया ट्रायल नहीं हुआ। हाँ, मीडिया ट्रायल हो रहा है, अब हो रहा है मीडिया ट्रायल। पीड़िता का नाम जो है फोटो के साथ फेसबुक पे डाल दिया गया, नाम के साथ फेसबुक पे डाल दिया गया। पीड़िता का चरित्र हनन किया जा रहा है, तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं उसके चरित्र पे, इतने दिन तक चुप क्यों रही, इसको क्या कहेंगे आप। सीधे सीधे मामला कोर्ट में है और तमाम पत्रिकाएं और मीडिया में चर्चाएं इस तरह की कि लड़की इतने समय तक चुप क्यों रही, इतने समय के बाद क्यों मीडिया के सामने आई या क्यों पुलिस में इतने समय के बाद मामला दिया गया, तो ये इतनी बेतुकी और बेशर्मी वाली बात है। जस्टिस गांगुली वाले मामले में 2 साल के बाद लड़की ने एक ब्लॉग के जरिए अपना मामला खोला, उसके अंदर सब हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि सीधे सीधे कि इस्तीफा दो और अरेस्ट करो, ये करो वो करो, तमाम लोग इसमें खुल के मीडिया पे बोल रहे हैं, वो मीडिया ट्रायल नहीं है। तमाम जितने रेप केसेस होते हैं तरुण तेजपाल वाले मामले में पूरी तरह से सब लोगों ने अपने फरमान सुनाए बाकायदा मीडिया हाउसेस में बैठ के, वो कोई मीडिया ट्रायल नहीं है। लेकिन अगर लड़की ने एक न्यूज चैनल पे अपनी आप बीती सुनाई तो वो मीडिया ट्रायल हो गया है। वो लड़की यानी कि आवाज उठाने का हक नहीं है किसी लड़की को, वो चुप हो के बैठ जाए कहीं किसी किसी माध्यम से अपनी आवाज ना उठाए, आवाज उठा दी तो मीडिया ट्रायल हो गया। अब इस वक्त क्या आप बता पाएंगे कि जो पीड़िता है उसकी स्थिति इस वक्त किस तरह की हो, किस हालत में इस वक्त है, कैसी कोई जानकारी है आपके पास? जहां तक मेरी जानकारी मिली है कि पीड़िता इस वक्त डिप्रेशन में है और डिप्रेशन की बाकायदा दवाई भी ले रही है, और क्योंकि उसका नाम जगह जगह उछाल दिया गया है और उसकी स्थिति जो है बहुत सही नहीं है, मुझे दूसरे स्रोतों से पता चला है, सीधे तो मेरी बात उससे नहीं हुई है, क्योंकि लोगों ने इतना उसको बदनाम किया है और इतना उसके पीछे पड़े हैं, तो उसकी स्थिति ठीक नहीं है मेरे मुताबिक, और कुछ भी हो सकता है पीड़िता के साथ। तो क्या ये मीडिया ट्रायल, कुछ लोगों ने कहा फिर खुर्शीद आत्महत्या करते हैं, उसके बाद जो स्थिति बनती है, तो क्या उसको काउंटर मीडिया ट्रायल जैसा कुछ माना जाए? देखिए, उन्होंने आत्महत्या क्यों करी ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो सामने सीधा दिख रहा है वो तो ये है कि जिस दिन FIR हुई उससे अगले ही दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली, जबकि इससे पहले वो बाकायदा फेसबुक पे अपनी उन्होंने पहचान भी जाहिर करी आके कि मेरे बारे में बात की जा रही है और पीड़िता को सामने लाइए, मैं खुद जो है उस पुलिस में जाऊंगा, खुद मैं इस मामले में आगे बढ़ूंगा, पीड़िता को सामने लाइए, पीड़िता को सामने लाइए। जैसे ही पीड़िता ने बयान दिया, जैसे ही FIR दर्ज हुई, उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो इसको क्या कहा जाएगा। ये तो सीधी साफ सी बात है, समझ आ रही है कि किस लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अब जो उनके साथी लगातार एक तरफ की बात कर रहे हैं, पीड़िता पे तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, जबकि अभी कानून की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है, कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है,
और ऐसा नहीं है कि खुर्शीद अनवर आत्महत्या के बाद बेगुनाह